गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर, सीपीसी करियर फंड क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था साइंस का क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इंटरनेट पर 16 दिसंबर 2021 को डाला गया है उसका 40 क्वेश्चन देखे थे। और इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से देखने वाले हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो करियर फंड को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो आपका क्या कह रहा है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, उच्च दाब की हवा करती है, स्थिर वायु करती है या गतिमान हवा करती है, इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा, गतिमान हवा करती है। आपसे ये पूछेगा कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क में सबसे ज्यादा क्या चलती है, हवाएं चलती है, जिसके कारण सबसे ज्यादा अगर पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है तो डेनमार्क में किया जाता है, इसीलिए पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। और डेनमार्क में है ना सबसे ज्यादा पवन चक्की है, पवन चक्की से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला स्थान कौन सा देश है, तो डेनमार्क है। भारत का स्थान कहां आता है, तो 5वां नंबर में भारत का स्थान आता है। भारत में सबसे बड़ा कहां लगाया गया है, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में लगाया गया है, और इसके अलावा आपका गुजरात के लांबा में भी लगाया गया है ना। तो आप इतना याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पवन चक्की में टरबाइन घुमाने के लिए पवन का वेग लगभग कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर कम होगा तो टरबाइन नहीं चलेगी, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है, तो ध्यान दिया अवतल लेंस की बात किया जा रहा है ना। तो अवतल लेंस का क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस का क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की बात करूं तो उसकी फोकस क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण को क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उसी प्रकार से उत्तल लेंस को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है ना। अवतल दर्पण का उपयोग विभिन्न चीजों में हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं हजामती दर्पण के बनाने में, सोलर कुकर में, सौर भट्टी में, है ना, गाड़ियों के अग्रदीप के भाग में करते हैं, है ना। दंत विशेषज्ञ लोग अवतल दर्पण का, साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का, और चेहरा और पेरियोस्कोप में किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण अवतल दर्पण में, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, सभी में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सभी में बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछे केवल काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, तो आप याद रखिएगा, केवल अगर आपसे पूछ देगा तो समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और अवतल लेंस में केवल क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछेगा दोनों किस में बनता है, तो आप याद रख लीजिएगा, है ना, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना 43 में आपका दिया गया, निम्नलिखित में विद्युत का सुचालक कौन है। निम्नलिखित का मतलब होता है इन चारों में से ही खोज करके बताना है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक अगर आपसे पूछता तो आप क्या मारते हैं, है ना, आपको पता है कि सबसे ज्यादा उसका होता है सुचालक होता है तो चांदी होता है ना, उसके बाद आपका तांबा सोना होता है। लेकिन हमें पूछना इन चारों में से सबसे ज्यादा, इन चारों में से सुचालक कौन है। सुचालक का मतलब जिससे करंट क्या हो, प्रवाहित हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक क्या है, कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप में आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कार्बन के अपर रूप कौन होते हैं, तो कार्बन के अपर रूप में आप क्या बताइएगा, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फुलेरिन होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। हीरा का उपयोग क्या, कांच के कटाई में और पौधों का, पहाड़ों को कटाई में भी प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्या था, आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में होता है ना, और इसका उपयोग स्नेहक, बड़े बड़े मशीनों में स्नेहक बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा आपका क्या दिया, वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी कि r बराबर आपका कितना दिया गया है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर दिया गया है, है ना। तो f बराबर क्या होता है, r बाई 2 होता है, 100/2 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूं सघन और विरल की बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पर माध्यम चेंज होगा वहां क्या होगा, प्रकाश का आपका अपवर्तन होगा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती है तो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो जब ध्यान दीजिएगा जिसमें प्रकाश की चाल सघन आपका क्या होता है, ज्यादा होता है ना, तुलनात्मक रूप से ध्यान दीजिएगा क्या होता है, अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विरल कहते हैं। और जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे आपका हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और कांच में कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो आपका हवा हो जाएगा विरल, कांच क्या हो जाएगा, सघन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब सघन से विरल में यानी कि ज्यादा से कम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागती है, और ज्यादा से कम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और लंबवत पड़ती है तो लंबवत ही निकल जाती है, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आपका क्या होता है, जो पानी में रखा हुआ सिक्का होता है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या पानी की बाल्टी के जो पेंदी होता है ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या पानी में हम लोग पेंसिल या पेन को डाल देते हैं तो तिरछा महसूस होता है, मछली अपने स्थान से ऊपर उठाई पड़ती है, हम लोग कांच के स्लैब को क्या करते हैं, किसी पेपर पे रख देते हैं या किसी किताब पे रख देते हैं तो उसका वर्ड क्या होता है, बड़ा बड़ा दिखता है। ये कांच के अपवर्तन के मुख्य कारण से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, आपका मिल गया है ना आंसर, विद्युत धारा उत्पन्न है ना करने की युक्ति कौन होती है, विद्युत धारा कौन उत्पन्न करता है, जनित्र। जनित्र का मतलब होता है जनरेटर, तो जनरेटर आपका विद्युत धारा उत्पन्न करता है, मोटर विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि यह क्या करती है, आपका क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। एमीटर एक क्या होता है, मात्रक होता है, जो किसको मापती है, आपका विद्युत धारा को मापती है, और गैल्वेनोमीटर भी एक प्रकार के एमीटर ही होता है ना। चलिए आप आंसर मिला लीजिएगा, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत किसे कहते हैं, समझिएगा। एक होता है आपका नवीकरणीय, जो कभी समाप्त ना हो, जैसे आपका हो गया सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया है ना, भूतापीय ऊर्जा हो गया, तरंग ऊर्जा हो गया, समुद्री ऊर्जा हो गया, ये सबको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसे क्या होता है, भविष्य में अत्यधिक यूज करने के बाद समाप्त हो सकते हैं, जैसे आपका आता है जब द्रव्यमान आता है, जीवाश्म ईंधन जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आपका क्या होता है, आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाता है। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसका उपयोग व्यापक तौर पे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, और जिसका गैर परंपरागत मतलब जिसका व्यापक तौर पे ऊर्जा उपयोग ना हो और जितना आपूर्ति किया गया उसमें पूर्णता नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर परंपरागत कहते हैं। तो परंपरागत में जिसका ज्यादा उपयोग होता है, आज के हिसाब से अगर बात किया जाए तो पवन ऊर्जा का भी ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, आपका सौर ऊर्जा का भी उपयोग ज्यादा किया जा रहा है, जैव मात्रा का उपयोग भी ज्यादा किया जा रहा है। तो लेकिन यहाँ के हिसाब से आपका हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा उपयोग, जो आपके आंसर में आपके बुक में देता है वो कोयला होता है ना। चलिए बाकी मैंने आपको समझा दिया, ध्यान दीजिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरणें तिरछी आपतित होती है, तो निम्न में से कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है। आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें कांच के पट्टी पर पड़ती है तो 2 बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। कितने बार होते हैं, 2 बार क्या होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो उनमें से पूछ रहा है कि पहले अपवर्तन पर क्या होगा, तो पहला तो आपका क्या होगा, अपवर्तन होने का कारण क्या होता है, प्रकाश की किरणों को विचलित होना है ना। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, विचलित होना, इसमें प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है ना, और इसमें विक्षेपण नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विचलन होना होता है। चलिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है, तो जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है उसका है ना क्या होती है, एसी होती है या डीसी होती है, पहले ये समझिए। एसी का मतलब हुआ अल्टरनेट करंट है ना, डीसी का मतलब हुआ डायरेक्ट करंट। हमारे जो बैटरी में ऊर्जा संचित होता है
है ना, जो एनर्जी होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी होते हैं। आप देखिएगा बैटरी से जो चीज हम चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, है ना, उसके लिए डायरेक्ट होता है। आप पलक को उल्टा लगाते हैं तो फैन उल्टा चलना शुरू हो जाता है ना, और सीधा लगाते हैं तो सीधा चलना होता है, वो क्या होता है आपका डायरेक्ट करंट होता है। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, जो हम लोग टोका लगाते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, अल्टरनेट करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो उसमें जो हमारे मिनिमम वोल्टेज चाहिए वो कितना चाहिए, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तार दो प्रकार के होता है, एक जीवित तार होता है, एक उदासीन तार होता है। समझने का कोशिश किया, जीवित तार को हम लोग क्या कहते हैं, गर्म तार कहते हैं, और उदासीन तार को क्या कहते हैं, ठंडा तार कहते हैं। आपका जो लाइन, आप जो ट्रांसफार्मर से जो लाइन आता है जिसमें आप टोका लगाते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवित तार कहते हैं। और एक तार होता है आपका उदासीन, जिसको ठंडा तार कहते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्क में लगा देते हैं, यानी कि अर्थिंग में लगाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जस्ता का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। मैंने आप लोग को बताया था कुछ परमाणु संख्या आप याद कर लीजिएगा, जैसे जस्ता का हो गया 30, चांदी का आपका कितना हो गया, है ना, 47 हो गया, कॉपर का आपका कितना, 29 हो गया, लोहा का कितना हो गया आपका, 26 हो गया, है ना, उसी प्रकार क्लोरीन का कितना हो गया, 17 हो गया, कैल्शियम का कितना हो गया, 20 हो गया, मैग्नीशियम का कितना हो गया, 12 हो गया, एल्युमिनियम का कितना हो गया, 13 हो गया, कार्बन का कितना, 6 हो गया, है ना। इस प्रकार से आपको मैं बता दिया था, आपका जो 100 क्वेश्चन बताया उसमें से आप देख लीजिएगा, उसको आप लिख लीजिएगा, 101 क्वेश्चन जो मैंने बताया था, एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं छूटेगा, आपका रिपीटेशन बार बार क्वेश्चन होते जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, धोबिया सोडा, धोबिया सोडा का मतलब क्या है, धोने वाला सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बासिंग पाउडर निर्मा, है ना, बासिंग पाउडर निर्मा, आप सुने होंगे प्रचार, है ना, बासिंग यानी कि बासिंग पाउडर की बात कर रहा है, तो बासिंग पाउडर में कितना जल होता है, 10 जल होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है। मैंने यहीं पे आपको बताया था खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, जो अंडे के आपका कवर जो होता है व्हाइट रंग का उसमें पाया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या मैंने बताया था, Ca है ना SO4 × 1/2 H2O होता है, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। आपसे पूछता है कि बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कली चूना है, या फिर आपको चूना खाली पूछेगा तो CaO कहते हैं, और बुझा हुआ चूना का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रंग दुधिया हो जाता है, CaOH suffix 2 होता है। आपसे पूछता है विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl होता है, या CaOCl suffix 2 होता है। इसके अलावा आपसे पूछता है यूरिया का सूत्र NaCONH2 suffix 2 होता है। आप इस प्रकार से आपसे ग्लूकोज का सूत्र पूछ जाता है C6H12O6, आपको चीनी का सूत्र पूछ जाता है C12H22O11, है ना। इस प्रकार से आपके सूत्र पूछते हैं, तो इतना आप क्या कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, है ना, गलत नहीं होगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन हमें बनाना, 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बनाना है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो आपका आंसर मिल गया Na2CO3 × 10H2O। निम्न में से कौन से प्रबल अम्ल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, NaOH और KOH, ये दो आपका क्या होते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं, है ना, प्रबल क्षारक ही है ना, हाँ प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक कौन कौन होते हैं, NaOH और KOH, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, प्रबल होते हैं, बाकी आपका क्या होता है, दुर्बल होते हैं, यानी कि वीक सॉल्ट होते हैं, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, बाकी आपका MgOH suffix 2 आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, NH4OH आपका क्या हो जाएगा, OH आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, है ना। उसके बाद है CuOH suffix 2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। प्रबल में कौन कौन से आते हैं, तो KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए यही आपसे पूछ देगा, अगर अम्ल में आपसे पूछ देगा प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, तो HCl होते हैं, यानी कि HCl, दूसरा H2SO4, तो तीसरा HNO3। आपसे पूछा दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों को छोड़ करके जो भी आएंगे आपका दुर्बल आएंगे, उसमें ऑप्शन में आपका रहता है CH3COOH, ये आपका लिखा रहेगा, एसिटिक एसिड लिखा रहेगा, एसिटिक अम्ल लिखा रहेगा, जो आपके अचार में और सिरका में पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, ध्यान दीजिएगा, हेमाटाइट और बॉक्साइट, आप याद रखिएगा, हेमा मालिन किसकी जैसे टाइट, तो लोहा के जैसा, हेमा मालिन किसकी जैसा टाइट, तो लोहा के जैसा, हेमाटाइट लोहा का, मैग्नेटाइट लोहा का, बॉक्साइड किसका होता है आपका, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का, जिंक ब्लेंड जिंक का, सिनेबार पारा का, कॉपर पाइराइट
कॉपर का, कॉपर ग्लांस कॉपर का है ना, ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है, आप इतना याद रखिएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। सल्फाइड एस का सांद्रण निम्न में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड एस का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है ना। सल्फाइड एस का सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाता है, जैसे कॉपर, कॉपर का निष्कर्षण कॉपर ग्लांस या कॉपर पाइराइट से किया जाता है, और ये दोनों कॉपर ग्लांस का सूत्र होता है Cu2S, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है Cu2FeS, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है ना, Cu FeS2 होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र। तो ये दोनों क्या है आपका? सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? फेन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्क को महीन पीस लिया जाता है, पीस करके एक टब में डाल दिया जाता है, और उस टब में पाइन का तेल या तारपीन का तेल, आप याद रखिए क्वेश्चन पूछता है, पाइन का तेल या तारपीन का तेल डाल दिया जाता है, जिसमें कारण से क्या होते हैं आपके जो सल्फाइड अयस्क होते हैं तेल के साथ सट जाते हैं, और उसमें पानी मिला दिया जाता है, और क्या होते हैं जो गंदगी आपके होते हैं अपशिष्ट होते हैं, इसको हम लोग गैंग कहते हैं, जो बच जाता है ना, वो नीचे जम जाता है। फिर उसमें क्या किया जाता है, हवा के द्वारा झाग उत्पन्न किया जाता है, फेन उत्पन्न किया जाता है, झाग ऊपर उठता है, और झाग को छान लिया जाता है, झाग को सुखा दिया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, सल्फाइड एस का ऑक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका दिया गया है बाबू, है ना, ZnO2 है ना आपका, इस प्रकार से दिया गया है 2ZnO2 क्या बन गया, 2ZnO, यानी कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, जिंक ऑक्साइड। तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन जुटे या कार्बन हटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन हटे, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन हटे या फिर हाइड्रोजन जुटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, अवकरण कहते हैं, यानी कि रिडक्शन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका अभिक्रिया क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। हाँ, ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, आप याद रखिएगा, है ना, ये किसका उदाहरण भी है, संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो तत्व क्या हो रहे हैं, जुट रहे हैं। तो जिसमें दो या दो से अधिक तत्व जुट करके है ना नए तत्व का निर्माण करता है, संयोजन कहता है, जिसमें टूटता है उसे क्या हम लोग कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका दिया ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का आण्विक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, है ना, क्या होता है, C6H12O6। आपसे चीनी का भी पूछता है ना, चीनी का आपसे पूछेगा तो C12H22O11। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ग्लूकोज के एक अणु में, तो एक अणु का मतलब हुआ C6H12O6, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा C6H12O6, तो ओ कितना है, 6 है, तो उसके कितने परमाणु हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ऑक्सीजन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन का सूत्र पता होनी चाहिए, O3, 3 आप बता दीजिएगा। आपसे पूछ देगा जल के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, तो सूत्र आपको याद रहना चाहिए H2O, तो उसमें कितना है, दो आपका हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पूछेगा तो एक, हाइड्रोजन पूछेगा तो दो। कार्बन डाइऑक्साइड में आपसे पूछ देगा कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो CO2 ऑक्सीजन कितना है, 2 है। उसी प्रकार से चीनी में आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन में, है ना, चीनी में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या लिखेगा, C12H22O11, H का मान कितना है, C12H22 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 अणु हो जाएगा, है ना। चलिए तो आपका आंसर मिल गया। उसके बाद दिया है आपका, एक दिया है C2H5OH, ध्यान दिया, C2H5OH क्या है, एल्कोहल है, शराब है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इथाइल एल्कोहल कहते हैं। CH3OH मिथाइल एल्कोहल होता है, जो जहरीला होता है ना। उसके बाद H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये क्या होता है, अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लराज नहीं, अम्लराज और अम्लों के राजा में अंतर है ना। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 कहा जाता है। क्यों इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, तो जितने भी अम्ल हैं हमारे पृथ्वी पर, जितने भी फैक्ट्रियां वगैरह, जितने भी आपका शर्ट पैंट या जितने भी प्रकार के केमिकल्स यूज होते हैं, जितने भी कपड़ा बनते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, पेन वगैरह बनता है, सभी में केमिकल की आवश्यकता होती है, और सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका अम्लों का राजा कहा जाता है।
चलिए ये आपका हो गया। अम्लराज आपसे पूछेगा तो अम्लराज हम लोग किसे कहते हैं, एक्वारेजिया को अम्लराज कहते हैं, इसे रॉयल जल भी कहा जाता है। इसमें क्या आपका होता है HCl और HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है 3:1 के अनुपात में इसका क्या होता है मिश्रण होता है। इसमें सोना और प्लेटिनम जैसे धातु भी क्या होते हैं गल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करती है क्यों, इसका रीजन क्या है। तो इसका क्या होता है जब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करंट इससे फ्लो हो जाता है क्योंकि उसमें आयनित होते हैं, बिना आयन का उदासीन तो कुछ करता ही नहीं है ना, जो आयनित होगा वही क्या करेगा विद्युत का संचालन करती है। लिथियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिएगा लिथियम, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, है ना, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, है ना, तो इसका कितना होता है 2.1, तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1। लिथियम क्या होता है सबसे हल्का धातु आपसे पूछ देगा तो लिथियम, सबसे भारी धातु पूछेगा तो यूरेनियम या ऑस्मियम, यूरेनियम रहेगा तो यूरेनियम मारिएगा, ऑस्मियम रहेगा तो ऑस्मियम मारिएगा, ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम और ऑस्मियम दोनों जगह देता है आपका, तो आप क्या रखिएगा सबसे हल्का लिथियम, सबसे भारू क्या होता है ऑस्मियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील भी लिथियम होता है, यानी इसे हम लोग क्या करते हैं मोम से लपेट करके रखते हैं। अभिक्रियाशीलता में आपसे पूछ देगा या निम्न अभिक्रिया किसका होता है, तो लिथियम का होता है, सोडियम का होता है, पोटेशियम का होता है, इसलिए सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं किरोसिन तेल में रखते हैं, जैसे नमी मात्रा आर्द्रता मिलती है, पानी मिलती है, हवा मिलती है, वो क्या करती है आग पकड़ लेती है, और लिथियम और पोटेशियम को हम लोग क्या करते हैं किसमें लपेट करके रखते हैं मोम में लपेट करके रखते हैं। किरोसिन पूछ देगा क्वेश्चन में आपसे किरोसिन तेल में लपेट करके हम किसको रखते हैं, तो आप लिख लीजिए किरोसिन तेल में लपेट करके बल्कि किरोसिन तेल में डाल करके किसको रखते हैं या मिट्टी के तेल में डाल करके, तो हम लोग सोडियम धातु को रखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा है ना चाकू से कटने वाला धातु कौन सा है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तीनों ऐसे मुलायम धातु होते हैं जो चाकू से कट जाते हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है आवर्त सारणी में शून्य समूह तत्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी, आधुनिक आवर्त सारणी की मैं बात कर रहा हूं जिसने मोसले ने दिया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी, बाकी सभी किस पे था परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर था, तो आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है, कितने आवर्त है आवर्तों की संख्या 7 होती है ने? और ब्लॉक की संख्या कितनी होती है 4 SPDF, वर्गों की संख्या कितनी होती है 18, आवर्त की संख्या और वर्ग की संख्या हमेशा पूछता है 18 और 7, आप याद रखिएगा ब्लॉक 4 होते हैं SPDF, ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या होता है शून्य समूह, 18वें समूह के तत्व को शून्य समूह कहा जाता है, 17वें को क्या कहा जाता है आपका, तो हाइलोजन कहा जाता है जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन्स होते हैं, और निष्क्रिय गैस को कहां रखा गया है तो 18वें समूह में रखा गया है, तो निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी होती है 6 होती है, कौन कौन है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ीनन और रेडन होता है, जिसमें सबसे हल्का कौन सा होता है हीलियम होता है ना, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा है ना, पूछा निम्नलिखित आपसे पूछा है शून्य का क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया और सोडियम हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, निम्नलिखित में या निम्नलिखित माने इन सभी में से अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा किसका ऋणात्मकता होता है तो क्लोरीन का होता है, लेकिन यहां पर दिया निम्नलिखित में मतलब इन चारों में से ही आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का, तो क्लोरीन अगर यहां पर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा है ना, आपका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्लोरीन। पोटेशियम और सोडियम आपका ऑप्शन में भी दिया है, पोटेशियम भी दिया है और सोडियम दिया था, पोटेशियम और सोडियम धातु है, धातु क्या होता है विद्युत का धनात्मक होता है, आधातु क्या होता है विद्युत का ऋणात्मक होता है, फ्लोरीन और आयोडीन आपका आधातु है, तो आप ध्यान दें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ऊपर कौन आता है फ्लोरीन आता है इन सभी में से, ऐसा तो क्लोरीन आपका है ही नहीं यहाँ पे ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, और आयोडीन भी आपका ऋणात्मक है लेकिन इन दोनों में से ज्यादा कौन है फ्लोरीन है। पोटेशियम और सोडियम आपका क्या होता है धनात्मक होता है, इन दोनों के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है इसके बाह्यतम कक्ष में एक होते हैं, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है इसके भी बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ध्यान दीजिएगा, जल के अपघटन से जब जल को आप जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाता है, जिनमें हाइड्रोजन कैथोड पर यानी कि ऋण आवेश और ऑक्सीजन एनोड पर यानी कि धन आवेश। कैथोड का मतलब ऋण, एनोड का मतलब धन, कैथोड का मतलब माइनस, एनोड का मतलब प्लस। तो कैथोड पे आपका हाइड्रोजन जाकर के जमा हो जाता है और एनोड पे कौन जाकर के जमा हो जाता है? ऑक्सीजन जाकर के जमा हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो आपसे पूछ देगा, तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के लगभग बीच होता है हमारी बॉडीज का, यानी कि हमारा बॉडी कैसा होता है तो क्षारीय होता है। 7 से 7.8 के बीच होता है हमारे बॉडी कैसा होता है? क्षारीय। आपसे पूछता है अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछता है तो कहीं पे 5.6 का क्या होता है? बिलो होता है, नीचे होता है। अम्लीय वर्षा के कारण से ही आज क्या है आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब का कलर क्या होते जा रहा है ना, डिसकलर होते जा रहा है, यानी कि जैसा कलर वो शुरुआत में चमकता था उस प्रकार से अभी नहीं चमकता, उस प्रकार से आपका नहीं दिखता। आपका पूछेगा नींबू का पीएच मान तो 2.4 होता है, आपका पूछता है शैम्पू का पीएच मान तो कितना होता है? 8 से ज्यादा होता है। पेस्ट का मान कितना होता है? 10 होता है। सबसे प्रबल अम्ल आपसे पूछता है तो आपका HCl होता है जिसका पीएच मान लगभग 1 होता है। हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है, है ना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो है ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपका अचार में कौन सा और सिरका में कौन सा? तो सिट्रिक अम्ल, सॉरी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे नींबू में कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? ध्यान दीजिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और अधातु के ऑक्साइड आपका क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला आपका दिया सोडियम के ऑक्साइड, तो सोडियम के ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कॉपर के ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपका कैल्शियम है, तो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड ये आपका क्या हो जाएगा? आपका है ना क्षारीय हो जाएगा। तो डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड वाला क्षारीय, ध्यान दीजिएगा, OH वाला क्षारीय, H वाला अम्ल, लेकिन धातु के ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। अब आइए यहां पर H2SO4 जो आपका एक क्या है, जो अम्लों को अम्लों का राजा कहलाता है H2SO4, प्रबलता में ये दूसरा प्रबल अम्ल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड के भी नाम से जानते हैं और तेजाब के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है, निम्न में संश्लेषित सूचक क्या होता है? सूचक क्या कहते हैं? जो अम्लता, क्षारिता और उदासीनता को है ना बताने का कार्य करता है, सूचित करने का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। समझिएगा, सूचक दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है, एक मानव निर्मित सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक में आपका लिटमस पत्र होता है। लिटमस पत्र किससे बनाया जाता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, शैवाल से प्राप्त किया जाता है ना, शैवाल और कवक के संयोग से जो बनता है उसे लाइकेन कहते हैं, जिसमें शैवाल की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपका बुक में शैवाल ही लिखता है। इसका रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। जब इससे एक लिटमस पत्र तैयार किया जाता है ना, जो क्या करते हैं, अम्लता क्षारिता को बतलाती है। अम्ल में जब लिटमस पत्र को डाला जाता है तो अम्ल क्या करती है? लिटमस पत्र को नीला से लाल कर देता है, क्षार क्या कर देता है? लाल से नीला कर देता है, और उदासीन विलयन जो होती है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा प्राकृतिक सूचक में आपका हल्दी होता है, प्याज होता है, लौंग होता है, वैनिला के तेल, जैतून का तेल होता है, पेटूनिया का फूल होता है, लाल पत्ता गोभी होता है, ये आपके प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। मानव निर्मित सूचक अगर आपसे पूछ देगा तो आप याद रखेगा मेथिल ऑरेंज आप याद रखेगा और फिनोफ्थैलिन आप याद रखेगा, फिनोफ्थैलिन और मेथिल ऑरेंज। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कौन सा अम्ल बनाता है? ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक क्या है, सबसे पहले आप याद रखिए कार्बन एक अधातु है, और कार्बन के ऑक्साइड क्या होगा? आपका अम्लीय होगा, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो सबसे पहले तो अम्ल बनाएगा। तो आपका ऑप्शन में आपका दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के ऑक्साइड फिर जल के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है ना, और कार्बन के ऑक्साइड क्या बनाते हैं? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप ध्यान दें, एक है कार्बोलिक है और एक है कार्बोनिक, H2CO3 आप लिख लीजिएगा इसका फॉर्मूला, है ना, H2CO3 होता है ना, H2CO3 होता है कार्बोनिक अम्ल, जो क्या होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड जो होते हैं उससे मिलकर के बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आंसर, क्वेश्चन आपका दिया है,
कॉपर पाइराइट का रासायनिक संघटन क्या होता है? ध्यान दे, कॉपर पाइराइट एक क्या है, सल्फाइड अयस्क, यानी कि इसमें सल्फर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कॉपर पाइराइट एक सल्फाइड अयस्क होता है। ये किसका अयस्क होता है? कॉपर पाइराइट और कॉपर गलांस किसका अयस्क है? तो कॉपर का होता है। और कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, CuFeS2। और अगर आपसे पूछ दिया आपका कॉपर ग्लांस का, तो Cu2S। आपसे अगर आपका पूछ दिया हेमाटाइट मैग्नेट का, तो Fe2O3। पूछ दिया आपका पारा यानी कि सिनेबार का, था HgS होता है। आपका पूछ दिया एल्यूमिनियम बॉक्साइड का, था Al2O3 × 2H2O होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं धातु? दो अवस्था में पाया जाता है, या तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, या तो प्राकृत अवस्था में पाया जाता है। जैसे आपका सोना हो गया, जैसे आपका चांदी हो गया, जैसे आपका पारा हो गया, है ना, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, पारा हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब आपके क्या पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और संयुक्त अवस्था में कौन से पाए जाते हैं? जैसे आपका हो गया लोहा हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब आपके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये सब या तो आपके ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है कि भूपर पट्टी यानी पृथ्वी के ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। तो भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ध्यान दिया, अगर तत्व की चर्चा करेगा तो आप क्या बताइएगा? ऑक्सीजन। आपसे पूछेगा धातु बोलेगा तो आप क्या बताइएगा? एल्यूमिनियम। कितना परसेंट? तो 7% एल्यूमिनियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है आपका? धातु में। तो आपका क्या बताइएगा? धातु में, धातु में आप बता दीजिएगा एल्यूमिनियम बता दीजिएगा, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु क्या हो जाएगा? आपका सोना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे धातु की अभिक्रियाशीलता की अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, जिंक, लोहा, टीना और प्लम्बम। ये आपके हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर कौन सा होता है? लिथियम। फिर आपका क्या होता है? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक होता है, लोहा होता है, SN होता है, PB होता है। फिर अगर हमें हाइड्रोजन के नीचे की बात करूं तो हाइड्रोजन के नीचे आपका आ जाता है कॉपर आ जाता है, हाइड्रोजन गैरम आ जाता है, आपका ऑरम आ जाता है, आपका अर्जेंटम आ जाता है, आपका प्लेटिनम आ जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो आपका ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में जिंक है ना, Ag तो सबसे कम हो जाएगा आपका, है ना, सबसे नीचे वाला है, Au भी आपका नीचे वाला है, Cu और Zn में, तो Cu और Zn में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा Zn हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉपर हो गया, ऑरम हो गया और अर्जेंटम हो गया, ये हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व हैं, ये सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे शुद्ध, आपसे पूछेगा सबसे शुद्ध धातु कौन सा होता है, तो आप लिख लीजिएगा कॉपर होता है। और कॉपर के दो क्या बनाए जाते हैं? मिश्र धातु बनाए जाते हैं, और इन्हीं मिश्र धातु का उपयोग आप देखते होंगे हमारे यहाँ, हम लोग गाय को माता मानते हैं, हिंदू धर्म में गाय को माता मानी जाती है, गौ माता हम लोग मानते हैं, तो गौ माता या फिर आप जानवर को देखते होंगे, जब हमारे यहाँ जब जानवर होते थे तो उनके गला में एक घंटी लगाई जाती थी, तो वो किसकी रहती थी? आपका शुद्ध धातु। शुद्ध धातु मतलब क्या, किसका बना होता था? कॉपर का, या फिर कॉपर के मिश्र धातु का बना होता है। हमारे घर में मेहमानबाजी जब होती है, हम लोग के घरों में हिंदू धर्म में जब मेहमानबाजी होती है, तो शुद्ध धातु का कासा का थाली, तो कासा क्या है? एक कॉपर का ही मिश्र धातु है ना, कासा का, पीतल का। छठ पर्व है ना, जो सबसे शुद्धतम पर्व माना जाता है हम लोग यहाँ, खास करके बिहार यूपी में, तो उसमें भी हम लोग कासा के बर्तन में, पीतल के बर्तन में बनाते हैं, करते हैं, है ना, शादी विवाह में भी कासा के थाली वगैरह, पूजा पाठ में भी कासा का वगैरह। तो शुद्धतम धातु जो होती है आपका कौन से होती है? आपका
कॉपर होती है, इसका दो मिश्र धातु बनता है, एक बनता है कासा, एक बनता है पीतल, है ना। तो पीतल में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर के साथ जिंक का, और कासा में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर के साथ टीन का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है बाबू, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, ध्यान दें धातु के बाह्यतम कक्ष में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा धातु के बाह्यतम कक्ष में एक दो या तीन, अधातु के कितने होते हैं, तो पांच छह सात आठ, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, ध्यान दीजिए ए नंबर में दिया तीन चार पांच या छह, ये तो होगा नहीं क्योंकि एक दो तीन वाला क्या होता है धातु, है ना। चार नंबर बी नंबर में दिया है चार पांच छह सात, ये हो सकता है, बाकी और हम ऑप्शन देख लेते हैं, सी नंबर में एक दो तीन चार नहीं होगा, डी नंबर में दो तीन चार पांच नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, है ना, चार पांच छह सात आठ, ये वाला आपका क्या हो जाएगा अधातु के श्रेणी में आते हैं। समानता आपका क्या होता है कि कुछ ऐसे अधातु है जो उपधातु है, है ना, समानता उपधातु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार, लेकिन कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने हैं चार, और कार्बन एक क्या है आपका अधातु है, तो अधातु के बाह्यतम कक्ष में चार पांच छह सात आठ भी होता है, और उस अधातु को आठ वाले अधातु को हम लोग क्या कहते हैं निष्क्रिय गैस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु है, ध्यान दीजिएगा पीतल निम्न में से किसका मिश्र धातु, तो अभी मैंने बताया कि आपका कॉपर का दो मिश्र धातु मैंने बताया, एक बताया आपका पीतल, एक बताया आपका कासा, कासा में मिला होता है टीना, पीतल में मिला होता है जस्ता, तो कॉपर के साथ अगर जस्ता आप मिलाइएगा तो क्या बनेगा आपका पीतल बनेगा, और कॉपर के साथ अगर टीना मिलाइएगा तो आपका क्या बनेगा कासा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक आपका हो गया शोल्डर, आपसे पूछता था शोल्डर में टीना के साथ क्या मनाया जाता है आपका सीसा मिलाया जाता है शोल्डर में, इसके अलावा आपका इस्पात से पूछेगा तो लोहा में किसका मिलाया जाता है कार्बन का, स्टेनलेस स्टील पूछेगा तो निकेल लोहा निकेल क्रोमियम और कार्बन मिलाया जाता है, पूछेगा जर्मन सिल्वर तो जर्मन सिल्वर में कॉपर के साथ निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है आपका जर्मन सिल्वर बनता है। एक पूछता है आपका अमलगम पूछता है, अमलगम किसका मिश्र धातु होता है, तो अमलगम में एक निश्चित होता है कौन पारा, अमलगम में एक निश्चित कौन होता है बाबू पारा होता है। चलिए आप इतना सुनते जाइएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं CH3O है ना C2H5IPA का नाम क्या होता है, तो आप लिख लीजिएगा है ना मेथाइल एथाइल इथर होता है ना, क्या होता है मेथाइल एथाइल इथर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा डी है ना एथिल मेथिल इथर, ओ वाला क्या कहलाता है इथर, सी ओ एच वाला आपका क्या कहलाता है आपका एल्कोहल, सी डबल ओ एच वाला क्या कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना सी ओ एच वाला एल्डिहाइड कहलाता है। चलिए एफ वाला फ्लोरिन, सी एल वाला क्लोरो, है ना बी आर वाला ब्रोमो, आई वाला आइडो, है ना। चलिए लोहा की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है, तो आप याद कर लीजिएगा Fe3O4, जब भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है Fe3O4, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लोहा का आपका अयस्क पूछता है तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट Fe2O3 होता है, इसी में आपसे पूछता है कि लोहा से जंग लगाने के लिए किसकी परत चढ़ाते हैं, तो जस्ता का चढ़ाते हैं, इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं या ग्लेवनाइजेशन कहते हैं, इसके अलावा हम पेंट कर देते हैं ग्रीस भी लगा देते हैं। आपसे पूछेगा लोहा में जंग कब लगता है, तो आद्र नम वायु के साथ जब रहता है तो इसमें, या हवा के साथ या पानी के साथ रहता है तो इसमें जंग लग जाता है, जंग लगने के बाद लोहा का वजन क्या होता है बढ़ जाता है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O, कितना जल होगा पता नहीं है, है ना जितना ज्यादा लगेगा उतना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 16 वाला, तो 16 वाला कौन है, 16 वाला सल्फर होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा है ना 16 वाला, इसको आप लिखिएगा कैसे 2 8 10 10 6 16, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 दिख रहा है ना, चलिए नीचे लिख देते हैं है ना 1s2 2s2 p6 है ना 3s2 और p कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 2 4 10 2 12 4 16, ये जा रहा है कहां पी में, कहां जा रहा है पी में, तो मैंने बताया था इस प्रकार से आपका आवर्त सारणी होता है, जिनमें समझिएगा ये वाला कहलाता है एस, इधर वाला पी, बीच वाला डी, इधर वाला नीचे वाला एफ, तो ध्यान दीजिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है पी में, इसका मतलब इधर होगा, इसका मतलब क्या होगा इस साइड होगा। अब ध्यान दीजिए हम लोग कैसे निकालते हैं, बाह्यतम कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6 है, जब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से ज्यादा हो,
है ना, एक दो हो तो पहला वर्ग में होगा, दूसरा वर्ग, एक हो तो पहला वर्ग में, दो हो तो दूसरा वर्ग में। लेकिन अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो से ज्यादा हो तो 10 जोड़ करके हम लोग निकालते हैं। हाँ, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है। इसलिए इसका कितना चला जाएगा? 10 6 16 में चला जाएगा। ये 16वें वर्ग का ग्रुप है और आपका सल्फर किसमें है? 16वें वर्ग का ग्रुप का है ये तत्व। चलिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर में। 75 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया, निम्न में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ध्यान दीजिएगा, तो आपको मैंने बताया था हाइड्रोजन के नीचे कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, पारा हो गया, है ना, प्लेटिनम हो गया, ये सब अभिक्रिया अम्ल से नहीं करती है ना, तनु अम्ल से ये सब अभिक्रिया नहीं करती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिए आपका क्या दिया है, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, कॉपर, आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉपर। बस आप सक्रियता श्रेणी को अगर आप प्यार से आप याद रखते हैं, है ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत सोल्व हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीना, अभी मैंने बताया था अगर कॉपर के साथ टीना मिला दिया जाता है तो आपका बनता है कासा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं ना, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, याद कीजिए, है ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, है ना, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, सोना वाला, चांदी वाला, कासा वाला, ब्रॉन्ज सिल्वर, ब्रॉन्ज सिल्वर, ब्रॉन्ज, ध्यान दिया, ब्रॉन्ज मेडल, तो ब्रॉन्ज होता है, तो ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? आपका कांसा होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कांसा। सोल्डर आपसे पूछेगा तो टीना के साथ सीसा मिला दिया था, पीतल में, कॉपर के साथ क्या मिला दिया, जस्ता मिला दिया, जर्मन सिल्वर में क्या मिलाया जाता है? कॉपर निकल क्रोमियम मिला दिया जाता है, क्या बनता है आपका? जर्मन सिल्वर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ध्यान दिया, जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक जस्ता को जब NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करती है? समझिएगा, तो ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर नहीं करती है, कॉपर, AgHg, अभी मैंने बताया सक्रियता श्रेणी में। तो आपका जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम जो है अगर उसको उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो क्या करती है ना, ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करती है। बाकी आपका जो कॉपर हो गया, Ag हो गया, Hg हो गया, ये आपका संयोग कर लेती है। सक्रियता श्रेणी, ध्यान दिया, सक्रियता श्रेणी के नीचे हाइड्रोजन के नीचे सक्रियता श्रेणी में, हाइड्रोजन के ऊपर आप देखिएगा, तुलना कीजिएगा, सब एक जैसा लगेगा छाट दीजिएगा, जो अलग रहेगा उसको हटा लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया बाबू, क्वेश्चन नंबर 79 में आपका क्वेश्चन कह रहा है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव को क्या कहते हैं? अपद्रव का मतलब जैसे मान लिया जाए हम लोग जो गेहूं लाते हैं तो गेहूं में क्या होता है? कंकड़, पत्थर, बालू मिला होता है, यही सब आप समझिएगा। तो मान लिया गेहूं बराबर आपका अयस्क, है ना, तो समझिएगा गेहूं में जो अवशिष्ट पदार्थ मिला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं कंकड़ बालू को। उसी प्रकार अयस्क में जो अवशिष्ट पदार्थ जैसे कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहा जाता है। तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, उसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जो बोलता हूं आप उसको सुनने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए हो सकता है कि मैं फास्ट बोलता हूं तो आप सुनने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि एक आध दो वर्ड गलत भी निकलता होगा, है ना, तो आप उसे इग्नोर करके चलिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैं रिपीट कर देता हूँ, कभी कभार हो जाता है फास्ट बोलने में क्योंकि माइंड को ऑब्जर्व करना पड़ता है, खास करके कैमरा के सामने नॉन स्टॉप एक घंटा बोलना पड़ता है, 45 मिनट 50 मिनट बोलना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। ये नहीं कि बीच में ऑफलाइन क्लासेस जैसे आपका चलता है तो मैंने जितना एक घंटा यहाँ बोल देता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे क्लास नहीं चलते हैं बच्चे लोग, आपको पता होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है। तो ऐसा नहीं मानिएगा कि एक आध दो क्वेश्चन अगर कहीं से गलत हो जाए तो आप इसको मत सोच लीजिएगा कि मास्टर जानता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, है ना। चलिए आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, यार पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, निम्न में से किस गुण के कारण से धातुओं के तार बनाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, एक है आपका अघात बद्धता, उष्मीय चालकता, तन्यता और कठोरता, ध्यान दीजिएगा,
मैं यहां सबका डिस्क्राइब करता हूं। आघात बढ़ता का मतलब क्या होता है, जिस कारण से पीट पीट करके चादर बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आघात बढ़ता कहते हैं। तो आघात बढ़ता के कारण से क्या बनाया जाता है, चादर। सबसे पतली आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा आघात बद्ध धातु कौन सा होता है, तो सोना होता है। सबसे ज्यादा आघात बद्ध कौन होता है, सोना होता है, उसके बाद चांदी होता है। कहा जाता है कि सोना को 0.004 mm पतली चादर भी बनाई जाती है, जैसे पुष्कर मेला आपका राजस्थान में लगता है या बहुत जगह ऐसा है आपका, तो सोना का दीवाल मिल जाएगा, या बहुत सारे बड़े बड़े होटल में आप जाइएगा सोना का प्लेट, सोना का थाली है ना, सोना का टेबल, तो सोना का टेबल नहीं रहता है, बस सोना की क्या होती है, प्रत चढ़ी रहती है ना। सोने की साड़ी, तो सोने की साड़ी नहीं होती, सोने की बायर होती है, सोने की प्रत होती है ना। जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हैं है ना, ये आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, तो व्हाइट बोर्ड पर क्या कर दिया गया, व्हाइट बोर्ड में मैंने सरमाइका लगाया, तो सरमाइका से भी कई एक गुना ज्यादा पतला होता है ना, और उस पर क्या कर दिया, उसकी प्रत चढ़ा दी गई, तो हम लोग कहते हैं सोने की थाली में खाना खाए है ना। तो आघात बद्ध का मतलब आप समझ लीजिए, सबसे ज्यादा आघात बद्ध कौन होता है, सोना होता है। दूसरा आपका दिया तन्यता, तन्यता का मतलब होता है जिस गुण के कारण से धातुओं को क्या खींच खींच करके तार बनाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तन्य धातु कहते हैं। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन होता है, तो चांदी, सॉरी सोना होता है। कौन होता है, सोना होता है। 1 ग्राम सोना से, समझिएगा 1 ग्राम कितना होगा, एक भरी तो समझ में आता होगा आप सभी लोगों को बच्चे, तो एक भरी में लगभग 10 ग्राम, 10 से 11 ग्राम होता है, आप 10 ग्राम उसको मान करके चलो है ना, तो एक भरी में 10 ग्राम आप मान करके चलो, 10 ग्राम यानी एक भरी में 10 ग्राम और उसका 10 भाग करो है ना, तो यानी कि 1 ग्राम, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार आप खींच सकते हैं। सोचे इतना ज्यादा क्या होता है, ये तन्य होते हैं। तो सबसे ज्यादा तन्य धातु आपसे पूछ देगा तो सोना, सबसे ज्यादा आघातवर धातु पूछ देगा आपसे सोना। एक आपका है उष्मीय चालकता, ध्यान दीजिएगा, उष्मीय चालकता के कारण से जैसे जब हम इसको उष्मा पे चलाते हैं तो ये उष्मा और विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाहित करती है, जिसके कारण से आज हमारे घर में आपके घरों में है ना क्या कहता है, खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो किस चीज का बने होते हैं, तो धातु के बने होते हैं है ना। तो आप बोलेगा सर चांदी के बना होता है, किसका होता है, लोहा का होता है ना, आपका पीतल का होता है, कांसा का होता है ना, कॉपर का नहीं होता, इसलिए नहीं होता है कॉपर का कि कॉपर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अकेला कॉपर क्या होता है, मुलायम होता है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, कठोरता मिला देने के लिए, कठोरता लाने के लिए उसमें हम लोग किसी धातु को मिला देते हैं। जैसे आपका लोहा से ज्यादा अच्छा स्टील होता है, क्योंकि वो कठोर भी होता है, क्योंकि उसमें मिश्र धातु मिला हुआ होता है। आपका कॉपर से ज्यादा अच्छा आपका क्या होता है, कासा होता है, पीतल होता है, क्योंकि उसमें क्या मिला होता है ना, मिश्र धातु होता है, उसमें दूसरे धातु या अधातु मिले होते हैं। तीसरा आपका है कठोरता, कठोरता के कारण से ही आज आप देख रहे हैं धातु या मिश्र धातुओं का उपयोग सभी जगह किया जाता है। ऐसे लोहा उद्योग की जननी कहा जाती है, यानी कि अगर उद्योग कहीं है तो बिना लोहा के कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर किसी भी उद्योग, कोई भी सामान, कोई भी मशीन आप देखते हैं अगल बगल, आप इधर उधर कहीं भी देख लीजिए, किसी भी प्रकार का अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें लोहा जरूर होगा है ना, स्टील जरूर होगा, इस्पात जरूर होगा है ना। चलिए तो आपका आंसर मिल गया, धातुओं के तार बनाए जाते हैं, तो तार किस गुण के कारण से, तन्यता, और सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा होता है, तो किसका होता है, सोना होता है। अगर आपसे बोलेगा विद्युत चालकता में, तो चांदी आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, लगभग 48-50 मिनट हो गया है ना, इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।